So now we are going to discuss ellipse. This is lecture number 2. Hyperbola, sorry. That is a hyperbola. Lecture of hyperbola, and this is lecture number 2. So we are discussing now conjugate hyperbola. The first case in which I have discussed conjugate hyperbola. उसमें हमने बात किया था पिछले जो हाइपरबोला की बात किया था उसमें क्या बात किया था कि ए बी से बड़ा है. अब ए बी से छोटा भी तो हो सकता है. ए का राय चल रहा है क्या? नहीं ना. तो ए बी तो छोटा हो सकता है. अब ए छोटा होगा तो क्या होगा? इक्वेशन कैसा हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई क्या बताओ? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. या इसको ऐसे लिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे लिखना पसंद नहीं करते, उनको एक्स लिखने में पहले बड़ा मजा आता है, तो ऐसे लिख देते हैं वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन. देखा, ये बी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, तो ये छोटा हो गया और बी बड़ा हो गया. ये मान लेते हैं कि ये छोटा है, बी बड़ा है. तो एक्स एक्सिस के नीचे कौन है? बी. ठीक है, तो ये हाइपरबोला कैसा होगा? इसमें देखो, कैसे भी होगा हाइपरबोला, तो मैं पता करने के लिए कोई भी इक्वेशन हो, दुनिया का कोई भी इक्वेशन, चाहे सर्कल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, स्ट्रेट लाइन हो, पुट x is equal to 0 to find point of intersection on y axis, पुट y is equal to 0 to find point of intersection on x axis. चलो हम x is equal to 0 इसमें पुट कर देते हैं. ठीक है, तो इसे क्या निकलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y axis निकलेगा ना. x is equal to 0 इसमें पुट करो, किसमें पुट करो? इसी में भी पुट करो, बात तो एक ही है. तो x is equal to 0 इसमें पुट कर देंगे तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा? 0. यानी y square by a square is equal to क्या हो जाएगा? 1. इसमें पुट किया है, ठीक है ना. तो y square is equal to क्या हो गया बच्चों? a square. और y is equal to क्या हो गया? प्लस माइनस a. यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y axis, क्योंकि x is equal to 0 पुट किया है. और x is equal to 0 पुट करने से क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y axis मिलेगा ना. तो y axis पे कहां कहां कट कर रहा है? तो 0, a, 0, a एंड 0, माइनस a आर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन y axis थ्रू विच पैराबोला पासेज. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्सिस निकलेगा. इसमें रखूं किसमें रखूं बोलो? इसी में रख लो. किसमें रखूं? अच्छा, फर्स्ट में. ठीक है, तो y 0 रख दिया तो ये पूरा क्या हो गया? 0. 0 माइनस x स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस b स्क्वायर. x इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट माइनस b स्क्वायर. नेगेटिव का स्क्वायर रूट होता है क्या? हाँ, हाइपरबोला. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, हाइपरबोला होगा. मुझे पैराबोला से प्रेम हो गया है, याद रहता है इतना ज्यादा ना, क्या होता है, बहुत मजा आता है मुझे पैराबोला पढ़ाने में. हाइपरबोला उसका बिछड़ा हुआ भाई है, तो याद नहीं आता कई बार. x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर रूट कितना होता है? पता है? रियल वैल्यू होता ही नहीं है. नहीं पता है, ये तो पता है, किसी को पता नहीं है, है ना. तो इसलिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो x एक्सिस पर कट करे. यानी ये कर्व x एक्सिस से पास करेगा ही नहीं करेगा, कहीं भी x एक्सिस से नहीं टच करेगा. अब जरा सोचो बच्चों, ये है 0 a और ये है 0 माइनस a, है? ठीक है, अगर ये लाइन इधर से जाएगा तो कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा? इधर जाएगा तो x एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा? अगर ऐसा कर्व हो जाए तो x एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा. कैसा हो रहा है? नीचे की ओर जा रहा है कर्व. और पॉइंट रखेंगे तो पता चल जाएगा ये कर्व कैसा जा रहा है? नीचे की ओर. और यहां पर भी कैसा जा रहा है? ऊपर की ओर. जैसा नीचे वैसा ऊपर, ऐसा.
तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया, इधर की ओर जा रहा है और इधर की ओर आ रहा है, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू नहीं हो। आप कोई और वैल्यू चाहे तो रख के देख सकते हैं। तो एक्स y जीरो होने से x इमेजिनरी आ रहा है, मतलब x का कोई रियल वैल्यू नहीं होगा जहां पर ये हाइपरबोला इनसे मिल सके, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हाइपरबोला ऐसा होगा। अब बताओ ये पैराबोला, अगर इसे माने कि दो पैराबोला है समझने के लिए सिर्फ, और ये पैराबोला है, तो इसका फोकस कहां होगा, इसके पेट में होगा नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे बताओ, जीरो कॉमा ए होगा, यहाँ पे क्या होगा, जीरो कॉमा माइनस ए, और अगर फोकस इधर है तो डायरेक्टिव कहाँ होगा, इसके पीछे कहाँ, ऐसी लाइन होगी, इसका डायरेक्ट्रिक्स ऐसा होगा, ये दोनों लाइन क्या कहलाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। और इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, इसका वाई इक्वल टू सॉरी, और यहाँ पर क्या होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो यहाँ पर भी वैसा ही जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही आ गया, बस थोड़े से वैल्यू के फर्क हैं। क्या फर्क है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या क्या आ गया, कोऑर्डिनेट बताओ याद करने लायक, सेंटर कितना है, जीरो कॉमा जीरो, सेंटर कितना है, जीरो कॉमा जीरो, डायरेक्ट वर्टेक्स कितना है, कौन बताएगा मुझे, प्लस माइनस जीरो कॉमा जीरो कॉमा प्लस माइनस ए, और फोकाई जीरो प्लस माइनस ए, और क्या है बताओ, फोकाई तो पता चल गया, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, कितना होगा यूज, प्लस माइनस ए, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये ध्यान रखना है ना, है ना, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, और यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस इज कितना, 2b, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2a, होगा सर, गलत बोल रहे, दिमाग लगाओ, a यहां पे x एक्सिस पे नहीं है बेटा, हमने इलिप्स का जब किया था तो x एक्सिस को a पर ही रहने दिया था, छोटा और बड़ा, यहां पे हमने a को y एक्सिस पे भेज रखा है, और ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा होता है, जिस पे फोकाई लाई करता है, तो ये फोकाई कितना होगा, 2a, तो यहां 2b ना लिख के क्या लिखोगे, 2a, जिस पे फोकस लाई करता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, और दूसरा हो गया लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितना, ये हो जाएगा 2b। तो ऐसे अलग अलग याद नहीं भी रख सकते हो, और अगर हमने उसी इक्वेशन में ए के जगह पर बी और बी के जगह पर ए लिया होता तो शायद ऐसा होता, लेकिन वैसे करने की जरूरत नहीं है, एक ही आप याद रख सकते हैं। यहाँ भी लेंथ इसेंट्रिसिटी कितना होगा, कौन बताएगा मुझे, वन प्लस कितना, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पक्का अगर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नहीं यहाँ पे a जो है वो कहाँ है, कौन से एक्सिस पे, आप ऐसे समझो ट्रांसवर्स एक्सिस पे जो होता है उसका स्क्वायर अपॉन कंजुगेट के एक्सिस पे होता है उसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर की उसमें क्या था, 1 बाय प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यही यहाँ पे भी होगा। ये सब फॉर्मूले में तब्दीली ना हो इसलिए हमने x एक्सिस पे लिया हुआ है। अगर ये a इस पे होता और यहाँ पे b होता तो हम फॉर्मूले बदल देते, जहां चाहे था वहां वहां b आ जाता, यहाँ पे b आ जाता, यहाँ पे b आ जाता, यहाँ पे b, यहाँ पे b आ जाता, तो इक्वेशन में भी क्या होता है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर के बाद b स्क्वायर लिखा है, वहां पे क्या होता है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर और y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, समझ आ रही बात, तो ऐसा नहीं किया है इसलिए, ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए कि ऐसा मान लो हमने उल्टा पढ़ा दिया उस तरह से बता दिया और आपके स्कूल में ऐसा पढ़ा दें तो आपको दिक्कत होने लग जाएगी, कौन याद करे कौन ना करे, कि बुक्स में ऐसे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, इसलिए हमने आपको ऐसा बता दिया कि आपको कहीं कंट्राडिक्शन ना हो और ये ना समझे कि ऐसा क्यों किया, ठीक है, लेकिन समझ में तो आ गया ना। तो एक ही टाइप याद रखना, कौन सा, पहले वाला, और बाकी में क्या लगाना है, दिमाग, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है लिखता
क्वेश्चन है स्पाइन द सेंटर वर्टिसेज फुकाई वर्टिसेज सेंटर फुकाई एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस y स्क्वायर बाय 16 माइनस x स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 ऐसा कुछ लिखा है ठीक है तो कैसे करोगे अब यहां भी ये लिख सकते हैं आप चाहे तो ऐसे लिख दें या x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू माइनस 1 कंपेयरिंग विद x square by a square minus y square by b square is equal to 1 and therefore a is equal to kya ho gaya 3 and b is equal to kya ho gaya 4 theek hai a is equal to 3 and b is equal to kya ho gaya 4 to e kya ho gaya e kya hoga batao 1 minus 1 plus kitna batao eccentricity kitna hota hai bachcho b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ठीक है तो कितना आएगा बताओ 1 प्लस b स्क्वायर कितना 16 और यहाँ a स्क्वायर कितना होगा 9 तो क्या हो गया 25 बाई 9 कितना 5 बाई 3 एक से ज्यादा है क्या 5 बाई 3 एक से ज्यादा है कि एक से कम एक से ज्यादा और इसेंट्रिसिटी होती क्या है परबोला की एक से ज्यादा सिंपल सेंट्रिसिटी इतना है अब क्या निकालना है आपको वर्टिसेज वर्टिसेज क्या होगा प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस ए ठीक है दैट इज कितना होगा बताओ अरे एक्स स्क्वायर बाई नाइन वाई स्क्वायर बाई जीरो प्लस माइनस बी होता है यहाँ पे तो ये होगा दैट इज जीरो प्लस माइनस फोर राइट और फोकाई कितना आएगा 0 प्लस माइनस बी कितना होगा दैट इज कितना होगा बताओ 0 प्लस माइनस ये हमने उल्टा इक्वेशन लिख रखा है क्या x स्क्वायर बाय a स्क्वायर थोड़ा सा इक्वेशन उल्टा लिख रखा है नहीं सर a को 3 ले लिया और b को 4 ले लिया हाँ y स्क्वायर बाय a स्क्वायर होता है ना a 4 हो गया और b 3 हो गया ठीक है तभी यहाँ पे हमने लिखा है 9 बाय 16 ये होगा 9 और ये होगा 16 बिल्कुल सही 25 बाय 16 यानी 5 बाय 4 दिस इज द सेंट्रिसिटी और ये हो गया 0 प्लस माइनस a दैट इज 0 प्लस माइनस 4 और ये 0 प्लस माइनस a दैट इज 0 a कितना है 4 और e कितना है 5 बाय 4 क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस 5 और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e और ये कितना है बताओ 4 और ये कितना है 5 बाई 4 यानी प्लस माइनस 16 बाई 5 ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस इज इक्वल टू क्या होगा 2a मतलब 2 इंटू 4 दैट इज 8 लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होगा बच्चों बताओगे 10 2 भी ना 2 इंटू 3 कितना 6 इस तरह से ये आंसर हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि एलिप्स का इक्वेशन पहचानना होगा कि कौन सा है पहला वाला है कि दूसरा वाला है स्ट्रेट फॉरवर्ड में अगर x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 लिखा हो तो x के नीचे वाला y के नीचे वाले से छोटा होता है इससे पता चल जाएगा कि x के नीचे वाला y के नीचे वाला से क्या है छोटा यानी a इज लेस देन b समझ आ रही बात क्या कहेंगे इसको कंजुगेट हाइपरबोला ठीक है अगर इस हाइपरबोला में चाहे किसी भी हाइपरबोला में a और b बराबर हो तो उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला ठीक है उसको हम आगे बात करेंगे इक्विलैटरल हाइपरबोला ठीक है फिर एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो सब भी होता है लेकिन फिलहाल ये समझने की जरूरत है
कि हमारे पास दो तरह के हाइपरबोला होंगे, एक पहला जिसमें x square by a square minus y square by b square equal to 1 होगा, और दूसरा जिसमें x square by क्या a square minus y square by b square equal to minus 1 होगा, लेकिन यहाँ a b से छोटा होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो इसके आधार पे आप छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगली क्लास में हम थोड़ा और डिटेल में इसको कुछ प्रॉब्लम्स करवाएंगे, ठीक है ना? चलिए।